ऑल, वेलकम बैक टू माय वेनिस ब्लॉग पार्ट टू। वेनिस ब्लॉग पार्ट वन में मैंने आप लोगों के साथ गंडोला राइड का प्राइस, देन रियाल्टो ब्रिज और वेनिस का थोड़ा सा वॉकिंग टूर किया था। और अभी हूँ मैं वेनिस के मेन स्क्वायर में, तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग को वेनिस का ओल्डेस्ट लाइब्रेरी, देन फुल पैनोरामा व्यू ऑफ वेनिस। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। We wanted to go inside Saint Mark Basilica, but क्योंकि ईस्टर हॉलीडे चल रहा है अभी, तो शायद क्लोजिंग आवर्स थोड़ा अहेड हो गया है, तो हम लोग का लक इतना अच्छा नहीं था। तो यस, आज फ्राइडे है और ये 1 o'clock को ही क्लोज हो गया था, एंड नाउ इट इज 4:30 इन द इवनिंग। और यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है फ्राइडे 15 फ्रॉम 10:30 टू 1 o'clock। सो या बैड लक फॉर अस, वी कैन नॉट गो इनसाइड। बट कोई नहीं, बाहर से तो देखा काफ़ी अच्छा है। अभी क्या करें? वेयर दैट बोर्ड एंड द क्राउड। यहाँ पे जो इतना लंबा क्यू दिख रहा है, ये सेंट मार्क्स कैंपानिले के अंदर जाने के लिए है, एंड इट इज़ अ बेल टावर एंड इसका हाइट है 98.6 meters। सो ओ माय गॉड, क्या मस्त व्यू आने वाला है पूरा वेनिस का। आई एम सो एक्साइटेड टू एंजॉय द व्यू। और इसके अंदर जाने के लिए सबको 10 यूरो पर पर्सन लगता है। जाएगा तो हम लोग को ये व्यू पूरा दिखेगा, पैनोरामा व्यू वेनिस का। We need to take the lift. Lift आ गई है, चलते हैं अंदर। Wow, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मुझे कितना सारा आइलैंड दिख रहा है, 1, 2 वहाँ पे और 1 वहाँ पे और 1 यहाँ पे 1। ओह माय गॉड, सो मेनी आइलैंड। हो गया हम लोग का वेनिस का पैनोरामा व्यू देखना कंप्लीट। और अभी हम लोग फिर से सिटी वॉक करके जाएंगे वेनिस का मोस्ट फेमस लाइब्रेरी देखते, व्हिच इज एक्वा अल्टा लाइब्रेरी। यहाँ पे सब डिनर का सेटअप लग रहा है, कितने अच्छे व्यू के साथ जो भी यहाँ पे रहते होंगे डिनर करते होंगे। ये जो ब्रिज है इसको ब्रिज ऑफ साइज बोलते हैं, और यहाँ से लास्ट प्रिजनर को लेके जाते हैं, तो वो लोग लास्ट व्यू देखते हैं वेनिस का यहीं से। और यहाँ पे अभी कितना अच्छा गंडोला राइड हो रहा है।
सुवेनियर के लिए इतने सारे शॉप है, हर एक जगह पे बस सुवेनियर का शॉप था। इफ यू आर ए बुक लवर और आप वेनिस घूमने आए हो तो आप लोगों को एक्वा अल्टा लाइब्रेरी जरूर विजिट करना चाहिए। काफ़ी यूनिक लाइब्रेरी है और बुक को भी काफ़ी डिफरेंट वे में डेकोरेट करके रखा है, कुछ कुछ गंडोला में देन स्टेयर केस बना के, सो इट्स प्रीटी नाइस। दिस इज द एंट्रेंस। ओके हैं तो फेमस लाइब्रेरी थी पोस्ट कार्ड के। ये बुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉकटेल रेसिपीज। ओह दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज अ कॉपी नोटबुक। या आई कैन मेक माय ओन रेसिपीज, दैट्स ट्रू। ये एक गंडोला बना हुआ है और यहाँ पे उन लोगों ने कितने अच्छे से बुक को स्टोर करके रखा है। दिस इज फॉर डेकोरेशन बट दिस इज सो नाइस। और ये वाला लाइब्रेरी में घुसने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है। और देखिए घुसने के बाद कितने अच्छे से यहाँ पे दो चेयर भी रखा हुआ है, ये गंडोला भी है, तो आप लोग यहाँ पे बैठ के फोटो भी खींच सकते हो। यहाँ पे सब लोग स्टेप बना हुआ है बुक में, सब लोग चल रहे हैं बट हम लोग नहीं चल रहे क्योंकि हम लोग बुक में पैर नहीं रखते, सो यस वी डोंट वांट फोटोज। हियर आल्सो दे हैव सो मेनी बुक्स। तो गई करने का फोटो जो अपनी फेवरेट जगह पे बिठा दिया है, पीछे भी बुक्स, आगे भी बुक्स, स्टार और बुक्स भी बुक्स। खुश कुछ भी। इस लेन में तो लग रहा है कि लाइन से होटल है। देखो एक होटल का नाम है होटल लक्स। स्नैक बार भी है सर, यू कैन हैव स्नैक। वाओ मुझे इस शॉप में बैठकर भी खाना खाना है, इट्स लुकिंग सो प्रीटी। फाइनली एक अच्छी जगह पे आए हम लोग खाना खाने के लिए और यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वेजिटेबल्स रखे हैं लोग, दिस इज सो नाइस। कितना अच्छा सेटअप में बैठ के आज हम लोग खाएंगे। पता नहीं हम लोग का लंच है कि डिनर के क्या है बट जो भी है पिज्जा और पास्ता मिल गया हम लोग को एंड वी आर वेरी हैप्पी, सो बन अपेटिट। बहुत ही टेस्टी फूड खाए हम लोग और बहुत ही अच्छे सेटअप में और पास्ता पिज्ज़ा और नॉर्मल ड्रिंक्स खाए हम लोग और हम लोग का बिल आया 37 यूरोस। इट वाज नाइस, मींस नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट सही डील था। एक्चुअली में बोलते हैं लोग कि वेनिस में बहुत एक्सपेंसिव होता है बट हम लोगों ने अब तक 2 रेस्टोरेंट में ट्राई किया, हम लोग को नॉर्मल लगा, ठीक ठाक लगा, लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज राइट। थोड़ा सा देखिए वेनिस इवनिंग के टाइम में कैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा लीट अप है, सब लोग बैठ के मज़े से ड्रिंक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा खा रहे, सो नाइस। आई गेस ये सब होटल है, यहाँ पे लोग रहते भी होंगे। लुक एट दिस रेस्टोरेंट, इसका नाम है ब्रास कॉकटेल बार रेस्टोरेंट, दिस इज सो फनी। शॉपिंग के लिए तो काफ़ी सही जगह है। कैंडी शॉप, सो मेनी कैंडीज। ये लोग ले रहे इवनिंग के टाइम में गंडोला राइड। सब बोलते हैं कि इवनिंग के टाइम में लेना चाहिए अच्छा लगता है, मुझे तो सन के टाइम में ज़्यादा अच्छा लगा और इनफैक्ट इवनिंग के टाइम मतलब प्राइजेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, 100 यूरो अगर आप इवनिंग के टाइम लोगे तो, नॉर्मली 80 यूरो। यहाँ पे हर एक शॉप इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं ना, देख के लगता है कि घुस जाओ।
चलो हर एक जगह बस फोटो फोटोज एंड फोटोज सम मोर रेस्टोरेंट्स मोर एंड मोर एंड मोर अच्छे से सेटअप किया हुआ है ये सब रेस्टोरेंट्स एकदम ग्रैंड कनाल के पास बैठ बैठ के डिनर करो आराम से प्रीटी रेस्टोरेंट्स सो हम लोग अपना वेनिस ट्रिप यहीं पे ख़त्म करते हैं अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल और एक चीज़ वेनिस बहुत ब्यूटीफुल है बहुत ही ज़्यादा अगर आप लोग को कभी भी चांस मिलता है वेनिस आने का प्लीज़ कम एंड एक्सप्लोर आप लोग कभी रिग्रेट नहीं करोगे और गंडोला राइड तो मस्ट करना बहुत ही ब्यूटीफुल है सो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग